गणेश ठाकुर पालघर से हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश, क्या स्थिति है, जो अभी तक का रुझान है या जो हो रही है काउंटिंग? जी देखिए, चार राउंड्स के बाद में बीजेपी ने अपनी बढ़त कंसोलिडेट की है। जो बढ़त करीब 146 मतों की थी पहले राउंड में, वो अब करीब 4,500 तक हो गई है। चौथे राउंड के बाद बीजेपी के राजेंद्र गावित 35,000 मतों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर बहुजन विकास आघाड़ी है, शिवसेना नहीं, टक्कर बीजेपी और शिवसेना की कही जा रही थी। लेकिन दूसरे नंबर पर फिलहाल चौथे राउंड के बाद बहुजन विकास आघाड़ी के बलिराम यादव है, जिन्हें 30,000 वोट्स मिले हैं। और तीसरे नंबर पर शिवसेना है करीब 26,000 मतों के साथ, कांग्रेस चौथे नंबर पर है 9,000 मतों के साथ। यहां पर जो समीकरण थे वो कहीं ना कहीं शिवसेना और कांग्रेस के लिए बिगाड़े हैं बहुजन विकास आघाड़ी ने। और जो यहां पर ग्रामीण और शहरी भागों का जो मतदान हुआ करता था, उसमें कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी ने सेंधमारी की है और इसका नुकसान शिवसेना का होते हुए नजर आ रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी वैभव परब भी हैं, जो इस पूरे पालघर कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं। यहां पर जो समीकरण है जो बहुजन विकास आघाड़ी ने बिगाड़ दिए, क्योंकि ग्रामीण और शहरी जो मत थे उसमें नुकसान हो रहा है शिवसेना को और कांग्रेस को। एकदम सही बोला है अपने गणेश। एक बार एक अपन ये देखे कि ये पालघर जिला है और मुंबई और गुजरात के बीच में आता है, इसके लिए भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण लड़त है। और बहुजन विकास आघाड़ी और शिवसेना दोनों भी भाजपा के मित्र पक्षी है, जो दोनों इस लड़त में चुनाव लड़ रहे हैं। देखा जाए तो शहरी भाग है जो वसई विरार नाला सोपारा है, उसमें बहुजन विकास आघाड़ी का वर्चस्व है। वहाँ पे जो कुल वोट मिले हैं वो पूरे के पूरे बहुजन विकास आघाड़ी को मिले, वहाँ पे शिवसेना और भाजपा को काफी कम वोट मिले होंगे। लेकिन जो ग्रामीण भाग है, जैसे कि डहाणू है, विक्रमगढ़ है, पालघर है, बोईसर है, वहां पे कुल मिला के भाजपा के जो वोट बैंक है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, वो पूरी तरह से भाजपा ने कैप्चर कर लिया है। शिवसेना देखा जा रहा है, हमने इस बारे में देखा गया था कि भाजपा और शिवसेना में ये कड़ी टक्कर होगी, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी है वो कुल सिटी के जो शहरों के मत है वो पूरे खा गई है और शिवसेना को यहाँ पे करीबन 7 से 8 हजार मतों से पीछे रहना पड़ेगा। काफी नुकसान हुआ है शिवसेना का यहाँ पे गणेश। बिल्कुल, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम 6 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है विधानसभा की, यहाँ पर हमने देखा है जो ट्रेंड, इसमें बीजेपी ने सिर्फ 1 या 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़त ली है, लेकिन बाकी जगहों पर उसने अपने वोट बैंक इंटैक्ट रखे हैं। वहीं ग्रामीण भागों में शिवसेना ने बढ़त जरूर लिया, लेकिन शहरी भागों में उनको बहुत कम मतदान हुआ है, क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी ने वहां मतदान पूरी तरह से अपने खेमे में कर लिया है। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जो लड़ाई बीजेपी और शिवसेना की कही जा रही थी, वहां पर कहीं ना कहीं शिवसेना का खेल बिगाड़ रही है बहुजन विकास आघाड़ी, और यह आगे तक होता जाएगा, क्योंकि बहुजन विकास आघाड़ी का शहरी भागों में वर्चस्व है और वो अब भी हम देख रहे हैं चौथे राउंड तक कायम हो रहा है। जानकारी ये भी मिल रही है कि पांचवें राउंड की भी मतगणना हो चुकी है, वहां पर भी बीजेपी ने अपनी लीड कंसोलिडेट कर ली है और कुल 33 राउंड होने जा रहे हैं। 18 लाख वोटर्स हैं, जिसमें से 9 लाख करीब वोटर्स ने वोट किया है और अभी के करीब 2 से 2.5 लाख वोटर्स की वोटिंग हो चुकी है या उनके वोट्स की काउंटिंग हो चुकी है। तो अगर यही ट्रेंड रहा तो बीजेपी दोबारा से यहां अपना गढ़ कायम रखने में, अपना गढ़ अपने पास रखने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। एक छोटा सा जवाब चाहेंगे गणेश, की जो बहुजन विकास आघाड़ी है उसका राजनीतिक मिजाज और शिवसेना का राजनीतिक मिजाज एक सरीखा है क्या? वो एंगल जी बिल्कुल नहीं। देखिए, शिवसेना जो है वो मराठी वोट बैंक्स की बात करती है, शिवसेना जो है वो महाराष्ट्र और जो है एक तरह से आदिवासी पहाड़ों की बात करती है। वहीं अगर बहुजन विकास आघाड़ी की बात करें तो विरार वसई का जो आदिवासी पहाड़ा है वो उसके साथ साथ इसको शहरी भाग में तब्दील करने के लिए अक्सर जो है अपने प्रयास करता रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डेवलपमेंट के मुद्दे पर उन्होंने इस पूरे बेल्ट में अपना वर्चस्व कायम रखा है और इसी वजह से है। और बुलेट ट्रेन का मुद्दा उन्होंने जो उठाया है उसको लेकर उनको कहीं ना कहीं इस बार फायदा होते हुए नजर आ रहा है। और राजनीतिक समीकरणों की अगर हम बात करें तो दोनों के मिजाज एक दूसरे से मिलते नजर नहीं आते हैं और इसी वजह से यहाँ पर उनको फायदा होते हुए नजर आ रहा है। चलिए, हम आपके पास लौटेंगे फिर जानकारी के लिए। एक जानकारी आ रही है, हम सर जरा सा जानकारी देते हैं, झारखंड के गोमियों में जेएमएम आगे चल रही है। जेएमएम के पास ही वो सीट हुआ करती थी, लेकिन उसके कन्विक्टेड हो गए थे योगेंद्र महतो जो थे जेएमएम के। और कर्नाटक में जो सीट जिसका आर आर नगर का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, 19,000 वोटों से ये विधानसभा की सीट है और कांग्रेस यहाँ पर जीत जाएगी, यानी एक विधायक और बढ़ जाएगा उस तादाद में जहां पर कांग्रेस और जेडीएस मिलके सरकार बना रही है। और फिलहाल तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है सीएम ने अपने पास रखी है, कांग्रेस का लो अब तो एक और जीत गया, अब दे दो हमें, जो वो नहीं दे रहा अभी, इस पे सहमति है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।